सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक हैं और फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल NB कॉमर्स सब में। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जितने भी PhD के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, जो बेसिकली अभी PhD के लिए अपीयर होना चाहते हैं, जो अभी कुमाऊं यूनिवर्सिटी का लेटेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म निकले भी हैं, तो उसकी सारी नोटिफिकेशन, सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी थी सीट से रिलेटेड, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी थी, जिसके अंदर 2 से 3 वीडियोज़ मैंने अपलोड करी हैं। अगर अभी तक आपने वो नोटिफिकेशन वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं डिटेल वाली, तो उनको जाके देख सकते हैं। उसके अंदर सभी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, कौन कौन उसके अंदर एलिजिबल हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन उसके अंदर चाहिए, मोड्स ऑफ एडमिशन्स क्या क्या हैं, और इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है और आपका एग्ज़ाम कब होगा, सब कुछ डिस्कस किया गया है। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आपके न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग सिलेबस क्या बनने वाला है। मीन्स जैसे आपका लास्ट ईयर तक का जो सिलेबस था बेसिकली वो अलग था, PhD एंट्रेंस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो आपका RDET एग्ज़ाम होने वाला है, मीन्स रिसर्च डिग्री एंट्रेंस टेस्ट इसको बोला जाता है, RDET शॉर्ट फॉर्म है इसकी, तो इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। अब ये जो एग्ज़ाम है आपको पता है कि किस किस के लिए एग्ज़ाम होने वाला है, तो जो GRF वाले जो कैंडिडेट हैं या इंस्पायर वाले जो कैंडिडेट हैं या किसी भी तरह के जो फेलोशिप ले रहे हैं उनके लिए ये एग्जम्प्टेड होता टेस्ट, उसके अदर सभी तरह के लोग ये टेस्ट देंगे। और एक और कैटेगरी इसके अंदर एग्जम्प्टेड होती है, वो होती है टीचर की, जो बेसिकली टीचिंग कर रहे हैं अभी और परमानेंट टीचर जो हैं उनके लिए भी एग्जम्प्टेड है। लेकिन उसके एक्सेप्ट उसके अदर जितने भी यहाँ पे कैटेगरी हैं सबको आपको, इंक्लूडिंग नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, तो उनको भी इसके अंदर रिटर्न टेस्ट देना पड़ेगा। और रिटर्न टेस्ट देने के बाद में आपकी जो इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी उन्हीं पर्सन की कॉल आएगी जिन्होंने इसको क्वालिफाई किया होगा। और क्वालिफिकेशन की जो मार्क्स हैं मैंने पहले ही आपको बता दिए थे, जनरल के लिए 50 हैं, इसके अलावा SC ST OBC EWS के लिए 45 हैं। तो मिनिमम 100 में से आपको ये स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में जाना है या इंटरव्यू के लिए आपको अपीयर होना है। अदरवाइज जो डिसक्वालीफाई हैं तो उनके लिए इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगा, ये बात ध्यान में आपने रखनी है। अब देखिए, जो ओल्ड सिनेरियो था जो लास्ट ईयर तक का था उसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें चेंज थी, मतलब जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न था थोड़ा सा बदला हुआ था, लेकिन अभी NEP लागू कर दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग सिलेबस में भी थोड़ा सा बदलाव किया गया है। अब पहले क्या हुआ करता था, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया भी था, जब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकला था तब भी मैंने आपको बताया था कि जो पुराने जो एडमिशन्स हुआ करते थे उसमें RDET एग्ज़ाम के अंदर 100 मार्क्स का आपका पेपर हुआ करता था और सब आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता था। और इसके अंदर मैंने कुछ कहा था एक्सेप्ट सम सब्जेक्ट्स, जैसे मैंने कॉमर्स बोला था या इसके अलावा मैंने बोला था एजुकेशन, तो उसके अंदर रिसर्च मेथडोलॉजी आ जाती थी। बट हाँ, आपका बाकी के जो सिलेबस था पूरा का पूरा सब्जेक्टिव रहता था, सब्जेक्टिव इन द सेंस कि वैसे सब्जेक्टिव नहीं, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका रहता था, जो कि आपकी PG की जो सब्जेक्ट रही है आपके PG करने के टाइम पे, तो उससे ही क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिससे आप अपीयर हो रहे हैं अपने PhD के लिए तो उससे सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन इसमें थोड़ा चेंज आ गया है अभी इन्होंने क्या कर दिया है, 100 मार्क्स तो आपके रहेंगे, ठीक है ना, 100 मार्क्स का तो आपका पेपर होगा, लेकिन इसमें 50 मार्क्स दे दिए हैं RM को, मीन्स RM मतलब हो गया रिसर्च मेथडोलॉजी को, रिमेनिंग 50 मार्क्स आर फॉर सब्जेक्ट टेस्ट। तो ये सब्जेक्ट की नॉलेज टेस्ट करने के लिए रखे गए हैं, जो कि आपका PG का सब्जेक्ट होगा जिस सब्जेक्ट से आप अपीयर कर रहे हैं, तो उनके लिए ये है। तो 50% मतलब 50 मार्क्स आपके सब्जेक्ट के आएंगे क्वेश्चन, और 50 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो आपके रिसर्च मेथडोलॉजी के आएंगे। तो सबसे बड़ा डाउट कि आप सिलेबस कहाँ से लाए हम लोग, सिलेबस इसके अंदर क्या रहने वाला है, क्या ओल्ड सिलेबस को हम लोग प्रेफर करें, तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर कोई क्वेरीज होती हैं आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, और अपना व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है तो वहाँ पर मैसेज भी आप छोड़ सकते हैं, तो जब मुझे टाइम होगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले चीज़ की, रिसर्च मेथडोलॉजी का सिलेबस क्या रहने वाला है, वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने जो सिलेबस खोला हुआ है ये कुमाऊँ यूनिवर्सिटी का सिलेबस है और रिसर्च मेथडोलॉजी का ही है। बट किस चीज़ का सिलेबस है, ऊपर आपको टॉपिक दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए ये प्री PhD कोर्स वर्क का है, बेसिकली ये कोर्स वर्क का सिलेबस है आपका। कोर्स वर्क क्या क्या होता है वो मैं बाद में करूँगा, लेकिन थोड़ा सा मैं अभी ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। आपका जैसे एडमिशन हो जाएगा, राइट, अभी आपका क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन कब होगा, जब आप फाइनल मेरिट में अपनी जगह बना लेंगे आफ्टर क्लियरिंग द रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी और उसके बाद आपका एडमिशन होगा, ठीक है। काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज अलॉट होगा, सुपरवाइजर अलॉट होंगे और फिर आपके एडमिशन प्रक्रिया चल जाएगी। एडमिशन होगा तो एडमिशन के बाद में 6 मंथ्स का आपका कोर्स वर्क होता है,
अब बेसिकली ये 6 महीने का कोर्स वर्क नाम दिया जाता है इसको, बट होता नहीं है 6 महीने का। अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए कि 2 महीना 3 महीना ऐसा वेरी करता है। तो इसके अंदर आपकी क्लासेस होती हैं, क्लासेस के अंदर आपको रिसर्च से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, क्या क्या चीज़ें आगे आने वाले टाइम में आप लोग यूज़ करने वाले हो, जिसके अंदर टूल्स हैं, मेथडोलॉजीज़ हैं, हाइपोथेसिस वगैरह हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा है, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ाई जाएगी आपको। अच्छा, ये तो बात हुई रिसर्च मेथडोलॉजी की। इसके अलावा एक और पेपर होता है, मीन्स आपके 2 पेपर होंगे टोटल। अब वो पेपर कब होंगे, जब आपका कोर्स वर्क हो जाएगा उसके बाद आपके 2 एग्ज़ाम आपको पास करने पड़ेंगे, मतलब 2 पेपर आपको देने पड़ेंगे। एक तो रिसर्च मेथडोलॉजी का पेपर होगा, ठीक है ना, और दूसरा आपका पेपर इसके अंदर होगा सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर। तो वो सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर आपका किससे होगा, जो आप बेसिकली कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स का उसके अंदर सिलेबस होगा, और अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जिससे भी हैं आपके उसका सिलेबस होता है, वो सारा का सारा सिलेबस इसके अंदर मेंशन है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मेंशन है, अगर आपको नहीं मिलेगा तो मैं दे दूंगा, बट अभी आपके लिए ये रेलेवेंट है भी नहीं, क्योंकि अभी आपके कोर्स वर्क तक पहुँचने में काफ़ी टाइम है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि एक पेपर आपका किसका होगा, आरएम का होगा, मीन्स रिसर्च मेथडोलॉजी का होगा, और उसी का सिलेबस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब ये सिलेबस मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो अभी आपका एग्जाम होगा ना तो उसके अंदर भी डिट्टो यही सिलेबस से आपके क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि रिसर्च मेथडोलॉजी आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका जिसके अंदर जो आपका बेसिकली कंटेंट होता है ना वो सेलेक्टिव होता है। अगर आप किसी भी तरह का एग्जाम उठा कर देख लें, रिसर्च मेथडोलॉजी का जो सिलेबस होगा अप्रोक्स आपको सेम मिलेगा। तो इसके अंदर भी क्योंकि सारे सब्जेक्ट का जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं अभी पीएचडी के अंदर जिसमें एडमिशन की प्रोसेस को स्टार्ट किया गया है, तो उसमें रिसर्च मेथडोलॉजी कॉमन आने वाली है। तो कॉमन आने का मतलब ये है कि रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर जो जितने भी आपके टॉपिक होंगे वो हर तरह के सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट को पढ़ने पड़ेंगे, और ये बहुत अच्छा अभी आपके पास में अपॉर्चुनिटी है। क्यों अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको बाद में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा अभी आपको अगर आरएम अच्छे से आ जाएगी, क्योंकि रिसर्च मेथडोलॉजी इज़ द मेन, आप कहें कि इसको मेन कंपोनेंट आपके पीएचडी के लिए, पूरी पीएचडी की जर्नी के लिए, क्योंकि अगर आपको रिसर्च नहीं आती तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि नाम ही जिसका रिसर्च डिग्री एंट्रेंस टेस्ट है उसको आप रिसर्च उसके अंदर बिना रिसर्च के आप क्या कर सकते हैं। इसीलिए ये पेपर आपका बाद में भी होगा, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, और वो दोनों पेपर आपको पास करने पड़ते हैं, वो एग्ज़ाम आपको पास करना पड़ता है, अदरवाइज़ फिर से आपको नेक्स्ट ईयर कोर्स वर्क में अपीयर होना पड़ेगा, दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ये चीज़ को ध्यान में रखना है। तो उस समय आपकी सिनॉप्सिस बेसिकली डिजर्टेशन भी होती है, आपके असाइनमेंट भी होते हैं, और आपके फिर एग्ज़ाम भी होते हैं, और वो सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद फिर आपकी यहाँ पे RDC होगी, और RDC में जब आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद फाइनली आपको एक PhD का इनरोलमेंट मिलेगा, मतलब आप एक तरीके से ऑफिशियली वहाँ पे इनरोल हो चुके हैं RDC के बाद, जब आपका टॉपिक फाइनल हो जाएगा फिर आप अपना काम अपने तरीके से अपने सुपरवाइजर की हेल्प से मिलकर यहाँ पे कर सकते हैं। तो जब तक RDC नहीं होती तब तक थोड़ी टेंशन है, ठीक है, उसके बाद स्मूथली चीज़ें चलेंगी, क्योंकि उसके अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपकी नॉलेज कैसी है, आपके सुपरवाइजर के साथ टर्म्स कैसे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे वेरी करती हैं, तो वो डिफाइन करेगा कि आपकी PhD आगे वो जर्नी आपकी कैसी होती है। तो अभी के लिए जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ वो रिसर्च मेथडोलॉजी के हैं, और इन टॉपिक को छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं आपको यहाँ पे एक तरीके से अश्योर कर देता हूँ। अच्छा, क्या क्या रिसर्च मेथडोलॉजी में क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए सबसे पहले इसके अंदर बोला है साइंटिफिक प्रोसेस। साइंटिफिक प्रोसेस का मतलब क्या, रिसर्च अपने आप में एक साइंटिफिक प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग स्टेप्स को फॉलो किया जाता है और वो स्टेप्स एज इट इज़ होते हैं। अब ऐसा नहीं है, रिसर्च मेथडोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर जो स्टेप्स फॉलो होते हैं ना, जो स्टैटिक फॉर्मेट है उसी को फॉलो करना पड़ता है हम लोगों को। ऐसा नहीं कि आपने पहले डेटा कलेक्शन कर लिया उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर रहे हैं, इट डजेंट मेक एनी सेंस, राइट। तो इसीलिए इसके अंदर इसको साइंटिफिक प्रोसेस बोला जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, देखिए मीनिंग डेफिनेशन पढ़नी है आपको, इसके अलावा रिसर्च की और साइंटिफिक प्रोसेस क्या होती है बेसिकली उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़नी है। अगर ये साइंटिफिक प्रोसेस को अगर आप छोड़ भी देंगे तो वो तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन साइंस वाले जो बच्चे हैं उसको ये ध्यान रखना है, उन बच्चों को ये ध्यान रखना है, थोड़ी बहुत साइंटिफिक प्रोसेस के बारे में पढ़ लेना, ज़्यादा डीप में कुछ भी नहीं आएगा। अब एक्चुअल जो आपका सिलेबस स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, जो आपका आरएम का सिलेबस है। देखिए सबसे पहला स्टेप है इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी। रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होती है, इसके मीनिंग को समझना है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च हैं, प्रॉब्लम्स इनकाउंटर्ड बाय रिसर्चर इन इंडिया, यानी कि जो जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस की जा रही हैं इंडिया के अंदर रिसर्चर्स के द्वारा, तो ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में आपने पढ़नी है, सभी तरह के स्टूडेंट्स को ये पढ़ना है।
चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से अपीयर हो रहे हैं, राइट। ये फर्स्ट पेपर आपके लिए कंपलसरी है रिसर्च मेथडोलॉजी का। दूसरा देखिए रिसर्च प्रॉब्लम, क्योंकि रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं कि रिसर्च आप कर क्यों रहे हैं, कैसे आपकी रिसर्च स्टार्ट होगी। कोई भी रिसर्च बिना प्रॉब्लम के स्टार्ट नहीं हो सकती है। सबसे पहली चीज़ जो आती है रिसर्च के अंदर वो आती है क्रिएशन ऑफ प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम सबसे पहले आती है, तो प्रॉब्लम के अंदर क्या क्या आ जाएगा, डेफिनेशन आ जाएगी प्रॉब्लम की एक्चुअली क्या होती है। इसके अलावा नेसेसिटीज एंड टेक्निक्स ऑफ डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है, इनको पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका स्टेप है, नेक्स्ट जो आपका सिलेबस है वो ये है रिसर्च डिज़ाइन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिसर्च डिज़ाइन के अंदर, मीनिंग, नीड एंड फीचर्स ऑफ द गुड रिसर्च डिज़ाइन, टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, सिनॉप्सिस डिज़ाइन फॉर रिसर्च टॉपिक। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे प्रिपेयर करनी है रिसर्च डिज़ाइन के अंदर। अभी मैं लास्ट में एक और बार आपको बेसिकली इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊँगा। वैसे तो रिसर्च मेथडोलॉजी देखिए एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसके अंदर अगर आप एक टॉपिक को छोड़ेंगे और दूसरे टॉपिक को पकड़ेंगे तो दूसरा टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। एक पूरी हायरार्की, अगर आप एक टॉपिक करेंगे तभी दूसरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। यही चीज़ यहाँ पे है, बट फिर भी मैं एक एम्फसाइज दूंगा कौन कौन टॉपिक को आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। फिर बात आती है सैम्पलिंग टेक्निक्स की, या सैम्पलिंग डिज़ाइन भी बोलते हैं। सेंसेस क्या होता है, सैम्पल क्या होता है, सैम्पल सर्वे, डिफरेंट टाइप ऑफ दी सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड सैम्पल डिज़ाइन, टेक्निक्स ऑफ सेलेक्टिंग ए रैंडम सैम्पल। तो ये क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती है सैम्पलिंग डिज़ाइन के अंदर, ये डिफाइन की गई है, क्लियर बात। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है यहाँ पे एडिटिंग, डेटा कलेक्शन एंड वैलिडेशन। तो इसके अंदर प्राइमरी डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा, मतलब प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, इंपॉर्टेंस एंड मेथड्स ऑफ द एडिटिंग एंड डेटा वैलिडेशन। तो ये आपका यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है। फिर आता है हाइपोथेसिस, डेफिनेशन क्या है हाइपोथेसिस की, टेस्ट कैसे करते हैं हाइपोथेसिस को, प्रोसीजर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, फ्लो डायग्राम फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, लिमिटेशंस ऑफ टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। तो ये आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपके पास में वो आता है एट्थ पॉइंट, जो कि है पेपर या फिर थीसिस राइटिंग एंड रिपोर्ट जनरेशन। मतलब ये रिपोर्ट राइटिंग का पूरा पूरा पार्ट है आपका, क्लियर, जो सबसे लास्ट में होता है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ दी पेपर, डियर राइटिंग एंड रिपोर्ट जनरेशन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कंसेप्ट ऑफ बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेज, सिग्निफिकेंस ऑफ द रिपोर्ट राइटिंग्स, स्टेप्स ऑफ द रिपोर्ट राइटिंग, टाइप्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट आपको ध्यान से पढ़ने हैं। अब ये जो पेपर थीसिस राइटिंग या फिर रिपोर्ट जनरेशन है, इसमें दो पार्ट है देखिए, एक तो राइटिंग का पार्ट है, एक आपका रिपोर्ट जनरेशन का पार्ट है। राइटिंग पहले होती है, उसके बाद रिपोर्ट फाइनली बनती है। तो राइटिंग के अंदर रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी आएगा आपका, देखिए यहाँ पे लिखा भी है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इसको भी ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो गई। और सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, सिग्निफिकेंस क्या होती है एक स्टडी की, जब भी रिपोर्ट बनती है उसकी सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट दो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, तो वो क्या चीज़ होती है यहाँ पे, उसको भी पढ़ना है। इसके अलावा इसके अंदर नीचे सिलेबस दिया गया है, इसको आप नहीं पढ़ेंगे तो चल जाएगा, इसको आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली साइंस के अंदर प्री कोर्स वर्क का सिलेबस है। तो इतना सिलेबस आपने यहाँ पे करना है। इसके अलावा मैं दो चार पॉइंट्स और अभी आपको बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें आपको अभी और करके जानी है। अच्छा, ये तो हो गया मेन फ्रेम, जिसको आप स्किप नहीं करेंगे, जिससे आपका 90% सिलेबस इसके अंदर कवर होगा, 101% इसके अंदर आपका सिलेबस कवर होगा, ठीक। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा रिसर्च मेथडोलॉजी के कुछ और इसके अंदर चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें क्या क्या हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ के जानी। जैसे देखिए प्लैगरिज्म क्या होता है, प्लैगरिज्म क्या होता है ये आपने पढ़ के जाना है, ठीक। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपसे। प्लैगरिज्म को चेक करने के कौन कौन से सॉफ्टवेयर यहाँ पे चल रहे हैं, जैसे आपके पास में ओरकुंड चल रहा है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो चल रहे हैं, तो वो सॉफ्टवेयर बेसिक आइडिया लेना उसका, सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है बेसिकली, और पैराफ्रेजिंग क्या होती है, ठीक है। पैराफ्रेजिंग किसे बोलते हैं, ये क्या होता है, इसको भी आपको देख के जाना है। तो ये कुछ छोटे मोटे टॉपिक हैं। बिब्लियोग्राफी क्या होती है, इसके अलावा अपेंडिसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, और ये सारी चीज़ें छोटी मोटी जो चीज़ें हैं उनको भी पढ़ के जाना है आपने। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस है वो यही सिलेबस है जो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद मैं दोबारा से इसको एक बार ओवरव्यू करता हूँ, ठीक है, कि आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिसको आप कभी भी स्किप मत करके नहीं जा सकते।
चलिए सबसे पहली चीज़ तो प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। रिसर्च की डेफिनेशन से क्वेश्चन जरूर आता है, तो रिसर्च प्रॉब्लम या ये इंट्रोडक्शन तो आप छोड़ेंगे नहीं। इंट्रोडक्शन के अंदर बहुत तरह से रिसर्च को डिफाइन किया जाता है। अगर आप, मैंने क्लासेस डाली हुई हैं UGC नेट की क्लासेस डाली हुई हैं जिसका अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, रिसर्च मेथडोलॉजी फॉर UGC नेट GRF, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो रिसर्च को कितनी तरीके से डिफाइन किया गया है वो मैंने आपको बताया है। तो सारी वीडियोज़ पड़ी हैं रिसर्च मेथडोलॉजी की, 6 से 7 वीडियोज़ पड़ी हैं आई थिंक उसके अंदर, और उसमें आपको रिसर्च मेथडोलॉजी को सिर्फ एक तरीके से नहीं पढ़ना है, आपने 10 तरीके से, जितने तरीके से पढ़ सकते हो उतने तरीके से आपने पढ़ना है, डिफ़ाइन करना अलग अलग तरीके से। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं रिसर्च के, रिसर्च क्यों की जाती है हमें, तो वो सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। तो ये इंट्रोडक्शन तो आप स्किप करके नहीं जा सकते, क्योंकि इसके बिना तो आगे पढ़ भी नहीं सकते ना। इससे ये बेसिक आइडिया है रिसर्च की तरफ, अगर इस पे आप इसको छोड़ देंगे तो आगे की चीज़ें आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाली है। उसके बाद अगर हम रिसर्च प्रॉब्लम की बात करें तो कुछ टाइम के लिए आप रिसर्च प्रॉब्लम को बेसिकली इनडेप्थ स्टडीज़ की अगर नहीं करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि रिसर्च प्रॉब्लम हम सभी को पता है प्रॉब्लम क्या होती है। जैसे हमारी जनरल लाइफ के अंदर कोई चीज़ हम लोग करते हैं विदाउट प्रॉब्लम हम लोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग मार्केट जा रहे हैं चीनी लेके आ रहे हैं, तो जस्ट बिकॉज कि आपके घर में चीनी खत्म हो गई है, तो चीनी खत्म होना इज़ द प्रॉब्लम और आप उसको खरीद के लाए इज़ द सोल्यूशन। तो इसीलिए प्रॉब्लम तो हर जगह पे आती है, तो ये जनरल आइडिया हर किसी का रहता है, तो इसको आप अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे आपके लिए चल जाएगा। नेक्स्ट आता है रिसर्च डिज़ाइन, ये इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर रिसर्च डिज़ाइन के अंदर आपके पास में डिफरेंट टाइप के रिसर्च डिज़ाइन आपसे पूछे जाएंगे। एम्पेरिकल रिसर्च क्या होती है, ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर साइंटिफिक रिसर्च हम किसको कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होती है, बहुत तरह की रिसर्च इसके अंदर होती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, एक्सपोज फैक्टो रिसर्च क्या होती है। तो ये बहुत तरह की आपके ऐसे रिसर्च हैं जो यहाँ पे आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो ये आपको एक तरीके से इनके हर तरह की रिसर्च के फीचर, राइट, फीचर और करेक्टरिस्टिक को जरूर पढ़ के जाना है। दूसरी तरफ इसके अंदर क्या है, आपके डिज़ाइन, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से डिज़ाइन होते हैं ये भी आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है। और उसके अलावा नेक्स्ट आता है सैम्पलिंग, सैम्पलिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट सैम्पलिंग कोई भी रिसर्च नहीं होती है, चाहे आपके प्राइमरी सैम्पल है चाहे आपका सेकेंडरी डेटा का सैम्पल है, सैम्पल ज़रूर बनता है, क्योंकि किसी भी पॉपुलेशन को पूरी तरीके से स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं सैम्पल को लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सैम्पल लेने के लिए कहीं ना कहीं सैम्पलिंग हमें आनी चाहिए। तो इसके अंदर सेंसेस क्या होता है, सैंपल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, इसके बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ दी सैंपल डिज़ाइन, सैंपल कितने तरह का हो सकता है, सैंपल डिज़ाइन कितने तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, टेक्निक्स ऑफ सेलेक्टिंग रैंडम सैंपल, रैंडम सैंपल को कैसे सेलेक्ट किया जाएगा। और इसके अलावा इसमें एक और चीज़ ऐड कर लेना, रैंडम सैंपल हम कैसे लेंगे, नॉन रैंडम सैम्पल। दो तरह की टेक्निक होती है, एक रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स होती है, एक नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स होती है, दोनों को स्किप नहीं करना है। रैंडम सैम्पलिंग के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, जैसे आपके पास में बहुत तरह के, जैसे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होता है, रैंडम नंबर सैम्पलिंग होता है, फिशबाउल टेक्निक्स होती है, इसके अलावा आपके पास में क्लस्टर सैम्पलिंग होती है, ये बहुत सारे सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है। तो ये कुछ सैम्पल हैं जो आपके रैंडम नेचर के होते हैं। अच्छा, नॉन रैंडम कौन से होते हैं, नॉन रैंडम के अंदर जैसे कोटा फिक्स कर दिया आपने, राइट, या इसके अलावा, कोटा के अलावा इसके अंदर बहुत सारी होते हैं, जैसे आपकी कन्वेंशनल सैम्पलिंग हो जाती है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसे सैंपल होते हैं ना जिसके अंदर आप रैंडमली नंबर को यूज़ नहीं करते, अपनी कन्वीनियंस के लिए यूज़ करते हैं, तो वो सारी सैंपल नॉन रैंडम की पार्ट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो रैंडम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा नॉन रैंडम में भी कुछ 2 से 3 मेथड आपकी होती है, तो उनको भी आपको समझ के जाना है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए, आपका एक चीज़ और इसके अंदर आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है, अपने कॉपी में आप लोग इसको नोट कर लेना, कि इसके अंदर ना कुछ आपके थ्योरम होते हैं, सैम्पलिंग के थ्योरम होते हैं कुछ, तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। 2-3 थ्योरम इसके अंदर हैं, जैसे इनिशियली आप लार्ज नंबर है आपके पास में, तो वो कुछ ऐसे थ्योरम हैं जिनको भी आपको पढ़ के जाना है, कि ये सैम्पल ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर कितनी प्रोबेबिलिटी होती है कि आपकी एरर आ जाएगी, उस एरर को कैसे दूर किया जाता है, तो ये थ्योरम उस पर कहीं ना कहीं बेस होते हैं। तो ये तो आपकी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है इंपॉर्टेंट, उसके अंदर क्या है, डेटा,
देखिए, जहाँ पे डेटा इंपॉर्टेंट है तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे आपके पास में सैंपल भी इंपॉर्टेंट होगा। सैंपल और डेटा तो एसोसिएटेड है ना दोनों, तभी तो मैं कह रहा हूँ इसके अंदर एक चीज़ स्किप करेंगे दूसरी चीज़ आपके समझ में नहीं आएगा। अभी अगर आपने सैंपलिंग नहीं समझ में आई तो डेटा आपको क्या समझ में आएगा। तो डेटा के अंदर बेसिकली क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। सिंपल चीज़ें सभी को पता होती हैं, प्राइमरी क्या चीज़ है, सेकेंडरी क्या चीज़ है, ठीक। लेकिन उसके इनडेप्थ स्टडी आपको करनी है। और इसके अलावा अगर आप प्राइमरी डेटा को चूज कर रहे हैं तो प्राइमरी डेटा चूज करने के आपके पास में क्या क्या टूल्स हैं, सेकेंडरी डेटा अगर आप ले रहे हैं तो उसके अंदर आपके पास में क्या क्या टूल्स हैं और क्या क्या मेथड्स इसके अंदर होती हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद आते हैं हाइपोथेसिस पे। हाइपोथेसिस एक ऐसा सब्जेक्ट है या एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैंने जो वीडियो डाली है उसके अंदर अगर हाइपोथेसिस का टॉपिक अगर आप देखेंगे तो आपको इतनी आसानी से समझ में आ जाएगा कि आप उसको कभी भूलेंगे नहीं। तो हाइपोथेसिस इंटरेस्टिंग भी है बट अगर समझ में ना आए तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर सकता है। तो हाइपोथेसिस बेसिकली इसके अंदर क्या पढ़ना है, हाइपोथेसिस होता क्या है, कितने तरह की हाइपोथेसिस होती है, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस क्या है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या है, कैसे हम लोग उसको टेस्ट करते हैं, और इसके अंदर हम लोग इसको अगर आप फ्लो डायग्राम फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग इसको आप छोड़ भी देंगे तो आपका काम चल जाएगा। इसके बाद इसको छोड़ नहीं सकते, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इसके अंदर आते हैं। ये जो टेस्ट होते हैं बेसिकली पैरामेट्रिक के अंदर टी टेस्ट आते हैं आपके, एप टेस्ट आता है, जेड टेस्ट आ जाता है, जी टेस्ट इसको बोलते हैं, अनोवा आपका आ जाता है, ये सारे पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से हैं आपके, काई स्क्वायर टेस्ट है, यू टेस्ट है, क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट है आपका, तो ये सारे टेस्ट आपके नॉन पैरामेट्रिक होते हैं। अब आप पूछेंगे इसके अंदर कि ये पैरामेट्रिक क्यों होता है, नॉन पैरामेट्रिक क्यों होता है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं इसको अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो इसके लिए वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, राइट। तो ये चीज़ें हैं और लिमिटेशन ऑफ द टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, इसको थोड़ी बहुत अगर आप स्किप ही कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन आपको जनरल इन्फॉर्मेशन इसकी होनी चाहिए, हाइपोथेसिस के टाइप्स, हाइपोथेसिस क्या होती है, कैसे टेस्टिंग होती है, इसके अंदर कौन कौन से पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज किए जाते हैं अलॉन्ग विथ फॉर्मूला, राइट। फिर आते हैं रिपोर्ट राइटिंग पे, पेपर या रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिपोर्ट राइटिंग के अंदर एक रिपोर्ट के कितने पार्ट होते हैं ये आपको पढ़ के जाना है। जैसे तीन पार्ट होते हैं, देखिए प्राइमरी रिपोर्ट होती है, प्राइमरी पार्ट हो गया, एक आपका बेसिकली हेड ऑफ दी रिपोर्ट होता है और एक आपका सप्लीमेंट्री पार्ट होता है। तो ये तीनों को आपको डिटेल में पढ़ के जाना है कि आपका बेसिकली प्राइमरी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और आपके हेड के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और लास्ट में जो सप्लीमेंट्री होती है जिसके अंदर आपके अपेंडिसेस और वो आपकी बिब्लियोग्राफी वो सारी चीज़ें आ जाती है, तो वो कैसे कैसे यहाँ पे आती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़ के जानी है। क्लियर होगी बात। तो ये मैंने आपको बताया रिसर्च मैथडोलॉजी का सिलेबस, ठीक है। बहुत सारी क्लासेज डली हुई हैं, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, सारी क्लासेज वन बाय वन आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक है अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर देना, या अगर आपको अगर समझ में फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको क्लासेज की ज़रूरत है, तो हम लोग यूट्यूब पे क्लासेज प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट उसके अंदर स्टूडेंट हमारे पास, नंबर ऑफ द स्टूडेंट हमारे पास में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो अगर 20 से 25 लोगों का कमेंट इसके अंदर आता है कि हमको रिसर्च मेथडोलॉजी की क्लास पढ़नी है, वो कि डेली बेसिस पे दे दूंगा मैं आपको, अगर वो आपके कमेंट्स आते हैं तो मैं आपको क्लास भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई उसका चार्जेस नहीं है यूट्यूब चैनल पर, तो वो मैं आपको करवा दूंगा। अगर स्ट्रेंथ होगी स्टूडेंट की तो वो फिर डिसाइड किया जाएगा, अदरवाइज अभी मेरी काफ़ी क्लासेस इसके अंदर डली हुई है। अब इसके बाद बात आती है, ये तो पेपर वन का आपका यहाँ पे बात हो गई, पेपर वन मतलब जो 50 मार्क्स की बात यहाँ पे हमने कर ली है, ठीक। ये 50 मार्क्स है। और दूसरी चीज़ की रिसर्च मेथडोलॉजी, जिनको टफ लगता है तो उनको मैं बता दूँ कि रिसर्च मेथडोलॉजी जैसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट दूसरा नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है वो आरएम का सब्जेक्ट लगता है, और सबसे ज़्यादा जो अभी तक पीजी से लेके अभी तक जो मेरा सबसे फेवरेट रहा है या सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है वो आरएम ही रहा है, रिसर्च मेथडोलॉजी। तो आपका भी फेवरेट बन सकता है, तो आप उसको उस तरीके से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये लाइफ टाइम आपका साथ नहीं छोड़ेगा, जब तक आपकी पीएचडी नहीं होने वाली है, पीएचडी के बाद भी आपके साथ रहेगा ये सब्जेक्ट ऐसा है। उसके बाद हम लोग सेकंड की बात करते हैं, राइट। जो सेकंड सब्जेक्ट आपका है उसकी बात करते हैं, तो उसके लिए सिर्फ एक सोल्यूशन है। उसके लिए देखिए, आपको अगर सिलेबस मिल भी जाता है तो उससे बेटर है कि आप क्या करें, यूजीसी नेट का सिलेबस उठा कर पढ़ लें, यूजीसी नेट पेपर टू का, ठीक है। यूजीसी नेट पेपर टू का जो सिलेबस है वो आपको यूजीसी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप जनरली गूगल पे डालेंगे यूजीसी नेट पेपर वन या पेपर टू सिलेबस, तो वो ऑब्वियसली सारी फाइल आपके पास में आ जाएंगी। तो उसको अगर आप प्रेफर करके चलते हैं, जिसके अंदर आपकी 10 यूनिट आपको मिलेंगे, तो वो 10 यूनिट अगर आप करके जाते हैं तो कहीं से आपका उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, ये बात को आपको ध्यान में रखना है।
ऑल्दो कि नेट के अंदर थोड़ा सा डेप्थ पूछा जाता है, बट इसके अंदर आपको चीज़ें वहीं से आएंगी बट थोड़ी लाइट आएंगी चीज़ें, तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि ये एंट्रेंस टेस्ट है, वो आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो थोड़ा डिफरेंस रहेगा बट जो चीज़ें हैं वो उसी सिलेबस से कवर होंगे। क्लियर है बात? तो इसीलिए इस सिलेबस को अगर आप प्रेफर करेंगे तो आपके लिए वेल एंड गुड रहेगा ये, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, जो चीज़ें अदर सिलेबस के अंदर कवर नहीं भी होती हैं वो चीज़ें भी आप इसके अंदर कवर कर लेंगे। दोनों चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हैं। रिसर्च मेथडोलॉजी जितना इनडेप्थ पढ़ेंगे वो आगे कोर्स वर्क के बाद आपके काम आएगा, और अगर दूसरा सब्जेक्ट जो आप इनडेप्थ अभी पढ़ रहे हैं वो भी आपका पेपर आपने देना है दोबारा से, वो आपका रिटन पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर नहीं होता, ये ध्यान में रखना है कोर्स वर्क के बाद में। तो वो जैसे एग्ज़ाम होता है जनरली आपके यूजी पीजी लेवल का, उसी तरह का एग्ज़ाम होता है, उसमें पास होना आपको कंपलसरी होता है। तो इसलिए अभी अभी अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे तो फ़ायदेमंद होगा आपके बाद में, आगे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब कुछ था आपके, क्योंकि कुमाऊं यूनिवर्सिटी का सिलेबस इसके अंदर आपको मिल नहीं पा रहा था, काफ़ी लोग इसके अंदर मैसेजेस कर रहे थे, आप लोग काफ़ी सर्च कर रहे होंगे रिसर्च मेथडोलॉजी का सिलेबस, क्योंकि सब्जेक्ट का तो ऑलमोस्ट आप लोग तैयारी कर ही रहे होंगे। तो ये आरएम का सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, इससे बाहर आपका ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक, तो इसी को आपको प्रिपेयर करके जाना है, और अगर आपको इसका लिंक चाहिए रहेगा जो प्री पीएचडी कोर्स वर्क है बेसिकली उसके जो सिलेबस का लिंक चाहिए रहेगा तो वो भी मैं आपको दे दूंगा, और कोई और क्वेरीज आपकी रहती है तो कमेंट बॉक्स में कोई आपके यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।